हेलो दोस्तों, हमारे चैनल द इंडियन हिंदू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में डिस्कशन करेंगे और उन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो दोस्तों, आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर हैं और उनका क्या इतिहास है। तो ज्योतिर्लिंग का नाम सुनते ही हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर ज्योतिर्लिंग है क्या, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्लिंगम भगवान शिव का एक भक्तिपूर्ण प्रतिनिधित्व है, जिसमें ज्योति का अर्थ है चमक और लिंगम का अर्थ है छवि या संकेत। इस प्रकार ज्योतिर्लिंगम का अर्थ है सर्वशक्तिमान भगवान शिव का दीप्तिमान चिन्ह। भारत में 12 पारंपरिक ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार भगवान शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए थे, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म के लोगों में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या काल के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम श्रद्धापूर्वक लेता है, उसके पाप मिट जाते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का आंशिक वास्तविकता है, जिसमें से भगवान शिव लिंगोद्भव के रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग एक प्रकार का तीर्थ स्थान या मंदिर है, जहां भगवान शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि कुल 64 ज्योतिर्लिंग हैं और उनमें से 12 को ही बहुत शुभ और बहुत पवित्र माना जाता है। प्रत्येक 12 ज्योतिर्लिंग स्थल अपने पीठासीन देवता का नाम लेते हैं। प्रत्येक को भगवान शिव का एक अलग रूप माना जाता है। इन सभी स्थलों पर प्राथमिक छवि भगवान शिव के अनंत प्रकृति के प्रतीक शुरुआती और अंतहीन स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास लगभग 2 से 3 हजार साल से भी अधिक प्राचीन है। वर्तमान स्थल पर मंदिर का जीर्णोद्वार एवं विस्तारीकरण सन 649 ईस्वी में वल्लभी साम्राज्य के यादव राजाओं ने करवाया था। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया और फिर बाद में हिंदू राजाओं द्वारा इसका बार बार पुनर्निर्माण भी हुआ। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। श्री सोमनाथ जी मंदिर के व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। यहाँ पर 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। सोमनाथ मंदिर का प्रमुख त्यौहार महाशिवरात्रि है और यहाँ सावन के महीने में भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ लगती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में स्थित है। मल्लिकार्जुन मंदिर कृष्णा नदी के तट पर है। यह मंदिर शैल पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री शैल पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं और उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि और दसरा शरणावर्तुल यहाँ के मुख्य त्यौहार हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह मंदिर 2री शताब्दी से ही अस्तित्व में है। मंदिर का जीर्णोद्वार विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर प्रथम के समय में 14वीं शताब्दी में किए गए थे। इस मंदिर को पादल पित्रा स्थलम में से एक के रूप में वर्गित किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में स्थित है। पुराणों और महाभारत में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की काफ़ी प्रशंसा की है। स्वयंभू भव्य और
दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर की अत्यंत पूर्णदायी महत्ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकालेश्वर मंदिर छिपरा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और राजा भोज ने इस मंदिर का जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण कराया था। इस मंदिर को इल्तुतमिश ने सन 1234-35 ईस्वी में आक्रमण कर लूटपाट करने के बाद ध्वस्त कर दिया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण हिंदू राजाओं द्वारा हुआ और वर्तमान मंदिर मराठा शासकों द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया। यह मंदिर वैपु स्थल में से एक है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार का बना हुआ है, जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ और वेदों का पाठ जिसके उच्चारण के बिना नहीं होता। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग यहाँ पर स्थित हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के पास ही भगवान शिव को समर्पित ममलेश्वर मंदिर भी स्थित है। ममलेश्वर को भी एक ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर को श्रद्धालु लोग एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। ओंकारेश्वर के दर्शन करके लौटते वक्त ममलेश्वर के दर्शन का नियम प्रचलित है। पुराणों में ममलेश्वर नाम के बदले विमलेश्वर नाम उपलब्ध होता है। शास्त्र मान्यता के अनुसार यमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है। यह मंदिर चौरी बारी हिमनद के कुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत शिखर के पाद में कत्यूरी शैली द्वारा निर्मित 3562 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था और फिर बाद में इसका जीर्णोद्वार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। केदारनाथ धाम छोटा चार धाम पादल पित्रा स्थलम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है और ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी और यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवम्बर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमशंकर मंदिर महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। यह मंदिर भीमा नदी के पास स्थित है। यह मंदिर अति प्राचीन है, इसका उल्लेख पुराणों में भी है। इस मंदिर का निर्माण नागर वास्तु शैली में हुआ है और भीमा शंकर मंदिर का शिवलिंग काफ़ी मोटा है, जिसके कारण इन्हें मोटेश्वर महादेव ही कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण और सौंदर्यीकरण 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों द्वारा किया गया था। यह मंदिर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। शिव पुराण की एक कथा के आधार पर भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को आसाम राज्य के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बतलाया जाता है और कुछ श्रद्धालु ये भी मानते हैं कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के काशीपुर नामक स्थान में स्थित शिव मंदिर ही भीमशंकर का स्थान है। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे है और यह मंदिर अति प्राचीन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र गंगा में स्नान करके इस मंदिर में दर्शन कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर का इतिहास भी काफ़ी लंबा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा कई बार नष्ट कर दिया गया था और फिर बाद में इसे हिंदू राजाओं ने पुनर्निर्माण कराया। अंतिम बार इस मंदिर को सन 1669 ईस्वी में
औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किया गया था और उसने उस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। वर्तमान मंदिर को 1780 ईस्वी में इंदौर की अहिल्याबाई होलकर द्वारा मूल स्थान के बगल में बनवाया गया है। सन 1835 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर के गुंबद और शिखर को स्वर्ण मंदित करने के लिए 1 टन सोना दान किया था। विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट भी इसी मंदिर के समीप स्थित हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। यह मंदिर इसी नदी के किनारे स्थित है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुँचने पर गोमुख से निकलती हुई गोदावरी नदी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल अर्घा दिखाई देती है। गौर से देखने पर अर्घा के अंदर लगभग 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई पड़ते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप माना जाता है। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। यह मंदिर भी बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर का निर्माण वास्तु शैली हेमाडपंथी है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार मराठा शासकों द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड राज्य के देवघर जिले में है। इस मंदिर को बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि और श्रावणी मेला इस मंदिर के प्रमुख त्यौहार हैं। पुराणों के अनुसार इस प्राचीन मंदिर की स्थापना रावण के द्वारा अकस्मात ही हो गई थी। रावण भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में लंका में स्थापित करने के लिए ले जा रहा था, किंतु मार्ग में मेरु पर्वत पृथ्वी पर रख देने के कारण भगवान शिव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। कुछ श्रद्धालु वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में महाराष्ट्र के परली में स्थित वैद्यनाथ मंदिर और कुछ श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में स्थित बैजनाथ मंदिर को वास्तविक होने का दावा करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर मंदिर गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में है। इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में भी है। महाशिवरात्रि यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। इस मंदिर में भगवान शिव को नागों के देवता नागेश्वर के रूप में पूजा जाता है। कुछ श्रद्धालु उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर मंदिर को वास्तविक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दावा करते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम मंदिर का वास्तविक नाम रामनाथ स्वामी मंदिर है। यह मंदिर तमिलनाडु जिले के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है, इसीलिए अधिकांश लोग इसे रामेश्वरम मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ वास्तु शैली के अनुसार हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस प्राचीन मंदिर के शिवलिंग की स्थापना और पूजा भगवान श्री राम द्वारा की गई है। यह मंदिर चार धाम और पादल पेत्रा स्थलम में से भी एक है। इस मंदिर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का जीर्णोद्धार पांड्या वंश के शासकों द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था और बाद में इसका विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण जापना साम्राज्य के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबे गलियारों में से एक है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और विजय पाई। बाद में राम जी ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे राम सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर मंदिर को घृष्णेश्वर और घुष्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। घृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में भी है।
इस मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 13वीं-14वीं शताब्दी में ध्वस्त कर दिया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण मराठा शासकों ने करवाया था। यह मंदिर एलोरा गुफाएं, जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित है, उसके नज़दीक है और यह मंदिर सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का जीर्णोद्वार देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच।